मैं पिछले 20 दिनों से तेहरान में हूँ। ये अपने इंडियन एम्बेसी है और ये यहाँ के ऑफिसर्स है। मुझे पिछले 10 दिन से बोल रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, आप हमसे ईमेल में रहिए। उनकी जो भी प्रोसीजर है वो सारी मैंने करने के बावजूद भी इन लोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ये लोग बोल रहे हैं हम कमर्शियल एयरलाइन चालू करेंगे, आप ईमेल से कॉन्टेक्ट में रहिए। मैं पिछले 6 दिनों से लगातार यहाँ पे, ये आज मेरा 6th डे है। मैं एवरी डे यहाँ पे 3-3 घंटा 2-2 घंटा यहाँ पे आता हूँ, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर मेरे लिए कुछ करिए, ये लोग मेरे मॉम डैड है जो सीनियर सिटीजन है। एक मिनट विष्णु, इनको तू ये दिखाना, ये मेरी मॉम है और ये मेरे डैड है। इनकी एज है 62। ये लोग इसकी वेट कर रहे हैं कि इनको जब तक कोरोना नहीं हो जाता ये लोग नहीं लेके जाएंगे यहाँ से। फ्राइडे को टेस्ट हुआ, संडे को रिपोर्ट दिया, बोला कि आपका पूरा होटल जो है वो ठीक है, उनको नेगेटिव है, सॉरी बोला आपका नेगेटिव सबका है। फिर हम इसी में थे तो बोला कि कुछ दिनों के बाद हम आपको फ्लाइट दे रहे हैं। उसके बाद हम इंतजार करे, जिस दिन हमें फ्लाइट थी, जिस दिन हमें निकलना था, उस दिन सुबह को हम ये फिर से कॉल कर रहे हैं एम्बेसी वाले, नहीं जी आपका नेगेटिव नहीं है बल्कि आपके 16 लोग जो है वो है पॉजिटिव। एक पेपर पे लिख के भेज दिया, टाइप करके भेजे, ये लोग नेगेटिव है, बस इतना ही। और कुछ कोई हम कहेंगे कोई स्टैम्प, कोई हॉस्पिटल की तरफ से कोई, या इन्होंने बोला था हमें पुणे भेजना है, ना वहां की तरफ से उसकी कोई साइन थी, कुछ नहीं था। सिर्फ सिंपल पेपर पे टाइप किए हुए कुछ नाम थे, बोला कि ये लोग नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। हमको 14 डेज का यहाँ पर लिमिट, बोला 10 डेज का लिमिट था ईरान में, लेकिन आज हमारा 1 महीना पूरा हो गया। जितने इनके पास फाइनेंशियल था, पैसा था, वो सब खत्म हो गया। अभी जिस होटल में हम रह रहे हैं उसको वो पैसे मांग रहा है, इनको अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। सर, विदाउट मेडिकल टेस्ट एंड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्बेसी वी कांट लीव दिस तेहरान कंट्री, एंड इवन नो फ्लाइट्स आर अवेलेबल विदाउट मेडिकल। दैट्स व्हाई वी केम टू डू आवर टेस्ट ऑफ COVID-19 ओवर हियर। इफ वी विल गेट द सर्टिफिकेट, इफ इट इज नेगेटिव, सो वी कैन फ्लाई सर। दैट इज द रीजन वी केम फॉर तेहरान। बट इन तेहरान वेन वी केम फ्रॉम पास्ट 4 डेज, वी आर ईच एंड एवरी डे वी आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ एम्बेसी सर। We are standing from morning till evening. Okay, each and every time one of officer is coming out of embassy, and one they are saying every officer is don't having the proper information, and they are each and every time they are just telling us that today there will be no medical test. Medical test has been finished. No doctor are available. Doctor went for India. Sir, these all things are happening with us, and sir, we want to come back India. India is our country. Okay.